गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू बुक। न्यू बुक का मतलब स्टैटिक्स। अभी तक हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ा था, अब स्टैटिक्स के हम लोग फर्स्ट चैप्टर से इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम इन चीजों को जानेंगे कि जो इकोनॉमिक्स है वो सब्जेक्ट मैटर के रूप में किस तरह से इंटररिलेट करता है स्टैटिक्स के साथ में, और उसका सिग्निफिकेंस क्या है इकोनॉमिक्स के बेस में, क्या जरूरत है उसको कि हम स्टैट को क्यों इकोनॉमिक्स के साथ में इंक्लूड करते हैं, और इसके लिए इसका ब्रीफ डिस्कशन हम लोग इस टॉपिक पर करेंगे। और जो कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है, वैसे भी हम सब लोग जानते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है ये हम लोग इंडिविजुअल लेवल पर और उसके साथ साथ में बिजनेस लेवल पर, दोनों ही लेवल पर इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और दोनों ही लेवल पर इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग अब ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में इकोनॉमिक्स है क्या, व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स, हम लोग इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं। तो आप सबको दिखाई दे रहा होगा कि एक सिंपल अगर इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग जाने तो इकोनॉमिक्स एक्चुअल में है क्या है, इट इज द सोशल साइंस दैट स्टडीज द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये सोशल साइंस है जो इसके प्रोडक्शन कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। जिस प्रोडक्शन कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग पहले ही बुक में पढ़ते हुए आए, फिर जो व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स, तो जनरली हमें पता है ड्यू टू स्कैसिटी ऑफ द रिसोर्सेज वी स्टडी इकोनॉमिक्स। हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री में वर्ल्ड में जब रिसोर्स की स्कैसिटी होती है तभी हमें हाउ वी बेटर यूटिलाइज द रिसोर्स, इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। आपने देखा भी था कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स जब भी होता है इट क्रिएटेड थ्री क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के लिए क्या क्रिएट होता है कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अनलिमिटेड वांट्स। दूसरा क्या, लिमिटेड रिसोर्सेज। तीसरा क्या, अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ दी रिसोर्सेज। तो दीज आर थ्री मेजर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने कैसे किया जाए इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो लिमिटेड रिसोर्स का मतलब क्या था, स्कैसिटी ऑफ रिसोर्स। अनलिमिटेड वांट्स का मतलब क्या था कि पीपल्स की जो वांट है वो अनलिमिटेड है और वो लगातार इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। तीसरी जो चीज थी अल्टरनेटिव, जो अवेलेबल रिसोर्स हैं उनके भी हमारे पास क्या है, तमाम तरह के अल्टरनेटिव यूजेज हैं। ऐसा नहीं कि एक चीज, जैसे पेट्रोल है तो इट कैन बी यूज इन जनरेटर, कार और डिफरेंट अदर इक्विपमेंट। तो कहां पर इसका बेटर यूटिलाइज किया जाए, कौन सी चीज इकोनॉमी के लिए ज्यादा बेनिफिट है, तो उसको भी वो जानने के लिए हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। तो यहां पर आप देखोगे डिफिनेशन क्या दी गई है, सबको दिखाई दे रही होगी, इट इज द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमंस मेक डिसीजन इन द फेस ऑफ स्कैसिटी। दीज कैन बी इंडिविजुअल डिसीजंस, फैमिली डिसीजंस, बिजनेस डिसीजन। वेयर स्कैसिटी मीन क्या होता है, ह्यूमन वांट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिसोर्सेज एक्सीड्स व्हाट इज अवेलेबल, जितना अवेलेबल है उससे जब ज्यादा डिमांड होती है तो वो स्कैसिटी को क्रिएट करती है। इसी को हम अगर दूसरे सेंस में देखें तो इट इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज विद इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटिंग टू अर्निंग एंड स्पेंडिंग द वेल्थ एंड इनकम। इट इज द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन बींग मेक अ चॉइस टू एलोकेट स्केयर रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ सेटिस्फाइंग देयर अनलिमिटेड वांट्स इन सच अ मैनर दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन। अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए वो कैसे, किस चीजों को वो किस तरह से अर्न करता है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक या व्हाई वी स्टडी द इकोनॉमिक। फिर इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, क्योंकि हम इस कॉन्सेप्ट में इस टॉपिक में ही ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से मेन टर्म आते हैं जिनके कारण इसको हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि हमें सब, अब वो मेन कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना क्यों नेसेसरी है। हम देखते हैं कि अपनी अगर एक यानी कि चाइल्डहुड से लेकर ओल्ड तक आप जाएं
तो इस पूरे यानी कि हमारी पूरी लाइफ में अगर 60 ईयर की लाइफ है तो आप देखोगे इसमें हमारे दो तीन चीजें हमारे पास सिस्टमेटिक हमेशा रहती हैं कि एक कंजम्पशन हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। अगर हमारा इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्शन में हो गया तो प्रोडक्शन एक उसका इंपॉर्टेंट आ गया। अगर हम सर्विसेज में इन्वॉल्व हो गए तो डिस्ट्रीब्यूशन उसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ गया। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे साथ लाइफ में जुड़े ही रहते हैं। तो इन सारे टॉपिक पे फिर हम लोग स्टार्ट में हैं, उसके पहले हम समझ लेते हैं इसमें जो छोटे छोटे टर्म्स आते हैं। पहला टर्म इकोनॉमिक सिस्टम, तो इट इज अ सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, रिसोर्स एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन सोसाइटी आर गिवन ज्योग्राफिकल एरिया। गिवन ज्योग्राफिकल एरिया का मतलब क्या, हमारा जो कंट्री है, हमारा जो स्टेट है, उसके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसके सारे कॉन्सेप्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमी क्या होती है, इट इज एन एरिया ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेड एज वेल एज कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाई डिफरेंट एजेंट। इन ये सारा जो प्रोसेस होता है, जहाँ ये प्रोसेस परफॉर्म होता है, इकोनॉमी वैसे भी हम जाते हैं। इको माने क्या होता है, मनी होता है, नामी माने सिस्टम होता है। तो ये क्या है, हाउ वी गवर्न द मनी, मनी को हम कैसे गवर्न करेंगे, तो इकोनॉमी होती है। क्योंकि इकोनॉमी ऑलवेज क्रिएटेड थ्री टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, जिसको सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी भी कहा जाता है। पहला कह रहा था व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हुम टू प्रोड्यूस, ये थ्री क्वेश्चन रहते हैं। तो इकोनॉमी हमेशा पहले ही अपने तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर इकोनॉमी ही देती है। व्हाट टू प्रोड्यूस कैसे देगी, कि उसको एक्चुअल में प्रोडक्शन क्या करना है, ये डिसाइड इकोनॉमी करती है। क्या करना है, कंज्यूमर गुड्स करना है या कैपिटल गुड्स करना है। दूसरी जो प्रॉब्लम रहती है हाउ टू प्रोड्यूस, तो दे हैव टू टाइप ऑफ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, पहला लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन एंड सेकेंड इज द कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन। लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, कि लेबर बेस्ड टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाए। तो इसमें क्या होता है, जिन कंट्रियों में नंबर ऑफ पीपल ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, वहां पर लेबर इंटेंसिव होगी। जहां पर कैपिटल ज्यादा है, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर कम है, वहां क्या होगा, कैपिटल इंटेंसिव होगा। तो ये भी डिसीजन कौन लेता है, इकोनॉमी लेती है। क्योंकि इकोनॉमी क्या है, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड, इन सारे सारी चीजों का डिसीजन वही लेती है। ऐसे होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करना है, फॉर रिचर पीपुल, पुअर पीपुल, इट आल्सो डिसाइडेड बाय द इकोनॉमी। फिर इकोनॉमी में हम लोग देखेंगे कि इसके कुछ टर्म्स हैं जो क्या क्या होते हैं, इसका मतलब क्या क्या होता है। तो पहला व्हाट इज कंज्यूमर, तो कंज्यूमर कौन होता है, अ कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, दैट पर्सन ट्रीटेड एज अ कंज्यूमर। फिर होता है व्हाट इज कंज्यूम्शन, कंजम्पशन क्या होता है, तो कंजम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ अवर वांट्स। तो इसमें एग्जांपल है जैसे ईटिंग ब्रेड, हम अपने वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करने के लिए क्या कर रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं। ड्रिंकिंग वाटर, वाटर को पी रहे हैं, मिल्क पी रहे हैं, वेयरिंग अ शर्ट, सर्विसेज, फिर उसके बाद सर्विसेज ऑफ लायर, डॉक्टर, ये सब के सब जो होते हैं वो डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग इसको कंज्यूम करते हैं। फिर उसके बाद, क्योंकि पहला तो कंजम्पशन हो गया, दूसरा इकोनॉमी हो चाहे इकोनॉमिक्स हो, दूसरा क्या रहता है, प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो हु इज प्रोड्यूसर, एक्चुअली प्रोड्यूसर है कौन, अ प्रोड्यूसर इज वन हु प्रोड्यूसेस आर सेल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। इनकम के जनरेशन से लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं। व्हाट इज सेविंग, तो सेविंग इज द पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम। सेविंग क्या है, इनकम का वो पार्ट है जो कंज्यूम नहीं किया गया। इसका मतलब क्या हुआ, कि जब हमने मान लीजिए यहां पर क्या लिया हुआ है, हमारे पास अगर 1000 रुपीज थे,
हमने उसमें से क्या कर दिया, 600 रुपीज क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। तो जो 400 रुपीज हमारे पास बचे हुए हैं, दैट इज अ कंजम्पशन, दैट इज अ सेविंग। ये क्या है, सेविंग है। तो ये क्या, यहाँ पर क्या था, 600 कंजम्पशन था, 1000 इनकम थी, और 400 क्या आ गया, सेविंग आ गया। तो सेविंग इज द पार्ट ऑफ इनकम विच नॉट कंज्यूम। फिर व्हाट इज एन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इट इज एन एक्सपेंडिचर विच हेल्प टू जनरेट फर्दर इनकम। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, यही जो 400 क्या कर दिया जाएगा, क्या कर देंगे हम इसको, इन्वेस्टमेंट कर देंगे किसी में, उस इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, जनरेशन ऑफ इनकम, जो इनकम जनरेट होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आता है। तो इस तरह हमने इस जो अभी इस लेक्चर में था वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देखे जो हमें इस बुक में पढ़ने को आगे मिलेंगे। ये टर्म्स आएंगे कि कंज्यूमर क्या होता है, कंजम्पशन क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, सेविंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो ये सारे सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए और इसको आप कॉपी में लिख भी लेना। तो ये कॉन्सेप्ट थे। तो इसके बाद जब हम अब जाते हैं, आप लोग होमवर्क, आपको ये 4 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में, इसका सभी काज इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हाउ, व्हाट इज कंजम्पशन, व्हाट इज प्रोडक्शन, डिफाइंड इकोनॉमिक्स। ओके, थैंक यू।